हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट में। आज का हमारा टॉपिक नीति आयोग है। हम जानेंगे कि नीति आयोग है क्या, ये काम क्या करता है, इसके फंक्शंस किस तरीके से होते हैं। ये जो पिक्चर दिख रहे हैं ये राजीव कुमार है, ये नीति आयोग के वाइस प्रेसिडेंट है। हम इनके बारे में आगे के स्लाइड्स में बात करेंगे। सबसे पहला, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है। आप में से कई लोगों को पता नहीं कि नीति आयोग का एक फुल फॉर्म भी है। नीति आयोग दरअसल एक एक्रोनिम है। इसका मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। इसमें ही आपको पता चलेगा कि इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन बनाया गया है, जिसे नीति आयोग का नाम रखा गया है। प्लानिंग हैज बीन इन इंडियन सोसाइटी एज आर लीडर्स केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सोशलिस्ट क्लाइम ऑफ अस्टवाइल USSR। जाहिर सी बात है, हमने प्लानिंग का जो इशू है, पंचवर्षीय योजना जो कहते हैं, 5 ईयर्स प्लानिंग, हमने रशिया यानी कि अस्टवाइल जो सोवियत यूनियन था, USSR जिसे कहते हैं, तो वहां से हमने अपना इंस्पिरेशन लिया हुआ था। प्लानिंग कमीशन सर्व्ड एज द प्लानिंग व्हीकल फॉर क्लोज टू 6 decades विद द फोकस ऑन कंट्रोल एंड कमांड अप्रोच। 1950 से लेकर 2015 तक जब नीति आयोग ने इसे रिप्लेस किया, तो प्लानिंग कमीशन ने सिंगल हैंडेडली प्लानिंग से रिलेटेड डेवलपमेंट और इकोनॉमिक एक्टिविटीज जितने भी होते हैं नेशनल वाइड के, वो सिंगल हैंडेडली उन्होंने डोमिनेट किया। दरअसल प्लानिंग कमीशन जो था वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं, वो एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की तरह काम कर रहा था। वो दरअसल एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाया गया था, लेकिन इतना वो पावरफुल था कि लिटरली कंट्री के जो गवर्नमेंट के, यूनियन गवर्नमेंट के इकोनॉमिक जो पॉलिसीज होते थे, जो डेवलपमेंटल पॉलिसीज होते थे, स्कीम्स होते थे, उसे बहुत ही इन्फ्लुएंस करता था। प्लानिंग कमीशन वॉज रिप्लेस्ड बाई अ न्यू इंस्टीट्यूशन दैट इज नीति आयोग ऑन January 1, 2015 विद एन एम्फोसिस ऑफ अ बॉटम अप अप्रोच। तो जब इंडिया की सरकार आई तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस प्लानिंग कमीशन को जो है खारिज किया हुआ था और उन्होंने नीति आयोग का एस्टेब्लिशमेंट किया। तो उन्होंने ये एम्फेसिस किया कि बॉटम अप्रोच यानी कि हम नीचे स्तर से लेकर ऊपर के स्तर तक जाएंगे। देखिए, जो प्लानिंग कमीशन था वो ज़्यादातर ट्रिकल डाउन थियोरी में फॉलो करता था। देखिए, ट्रिकल डाउन थियोरी वो है कि आप ऊपरी तल पर जो कोई भी लोग हैं या फिर जो कोई भी कम्युनिटीज वगैरह हैं, आप उन्हें जो है ज़्यादातर डेवलप करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसके बेनिफिट्स जो है वो नीचे के कम्युनिटीज तक भी जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लेते हैं कि कोई एक कॉरपोरेट हाउस है, तो प्लानिंग कमीशन या फिर ट्रिकल डाउन थियोरी इस आइडियोलॉजी में बिलीव करता था कि आप उस कंपनी को जो है टैक्स के सब्सिडीज दें या फिर टैक्स हॉलीडेज वगैरह दें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें, और अगर कंपनी प्रॉफिट्स वगैरह बनाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को ले सकेगी। ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ आएंगे तो इकोनॉमी में बढ़ोतरी होगी, पॉवर्टी रिड्यूस किया जा सकता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरीके से एम्फोसिस हुआ करता था प्लानिंग कमीशन का। लेकिन नीति आयोग जो है वो बॉटम टू अप अप्रोच देखेगा, यानी कि सबसे पहले पॉवर्टी पर जो है हम ध्यान देंगे, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट, और आखिर में जो है कॉर्पोरेट्स के बारे में हम सोचेंगे। तो ये बॉटम अप अप्रोच हुआ। इट वॉज एनविसेज्ड विद द विजन ऑफ मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट। जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बार बार कहते हैं कि मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट होना चाहिए, तो इस विजन को फुलफिल करने के लिए भी नीति आयोग बनाया गया। एकोइंग द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, अगेन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ाने के लिए प्लानिंग कमीशन जो था वो सिंगल हैंडेडली ज़्यादातर डोमिनेट करता था अपने ज़्यादातर स्कीम्स पॉलिसीज को जो है। वहाँ पर स्टेट का इंटरवेंशन बहुत ही कम होता था। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल तो था, लेकिन इसके ज़्यादातर डिसीजंस जो थे वो प्लानिंग कमीशन ही लेता था। प्लानिंग कमीशन जिस तरीके से आउटलाइन देता था वो ज़्यादातर यहीं पर इशू किए जाते थे या फिर यहीं पर उन्हें अप्रूव किया जाता था। लेकिन नीति आयोग जो है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करता है, स्टेट्स को वहाँ पर ज़्यादातर अपना से अपनी डिमांड रखने की बात करता है, उन्हें वहाँ पर एक मौका देता है। ऑब्जेक्टिव्स, तो आइए जानते हैं कि नीति आयोग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। टू फॉस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म थ्रू स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट इनिशिएटिव्स एंड मैकेनिज्म्स विद द स्टेट्स ऑन कंटिन्यूस बेसिस, रिकॉग्नाइजिंग दैट स्ट्रॉन्ग स्टेट्स मेक अ स्ट्रॉन्ग नेशन। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ही जो है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है कंट्री का। अलग अलग स्टेट के अलग अलग नेसेसिटीज होते हैं, हमें चाहिए कि अलग अलग स्टेट के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हम पॉलिसीज या फिर स्कीम्स बनाएं, ताकि हर एक स्टेट को स्ट्रॉन्ग बनाएं। जब पूरे स्टेट स्ट्रॉन्ग होंगे तभी जो है नेशन स्ट्रॉन्ग होगा। To develop mechanisms to formulate credible plans at village level and aggregate these progressively at higher levels of government, यानी कि bottom to up approach, जैसे कि अभी हमने पिछले स्लाइड में बात किया, वो है main important objective. To ensure on areas that are specifically referred to it, that are interests of national security are incorporated in economic strategies and policies. जब कभी भी planning का issue करता है, देखिए नीति आयोग भी planning ही करता है, लेकिन ज़्यादातर bottom to top approach ये देता है, और बाकी के जितने भी issues इसे refer किए जाते हैं, जब economic strategies और policies ये implement करने के लिए suggestion देता है, वहाँ पर national security और national interest को जो है वो ज़्यादातर importance दिया जाता है।
to pay special attention to the section of our society that may be at the risk of not benefiting adequately from economic progress. यानी कि social inclusion की हम बात कर रहे हैं, economic inclusion की बात कर रहे हैं, यानी कि सबका साथ सबका विकास. To provide advice and encourage partnership between key stakeholders and national and international like-minded think tanks as well as educational and policy research institution. कई बार आपने newspapers में देखा होगा कि नीति आयोग rankings भी देता है, climate change से related हो गया या फिर education related से हो गया. एक think tank की तरह काम करता है, research की तरह काम करता है, ये inputs देता है, technological जो है expertise देता है state को, government को, चाहे वो government of India हो या फिर किसी specific state के government को, ये उन्हें technical या फिर professional expertise देता है. Composition आइए जानते हैं कि इसके members कौन है. सबसे पहले तो chairperson हुई Prime Minister. देखिए जाहिर सी बात है कि इतना इंपॉर्टेंट एक बॉडी है तो प्राइम मिनिस्टर ही इसके चेयरपर्सन होंगे. वाइस चेयरपर्सन या फिर वाइस प्रेसिडेंट राजीव कुमार साहब, जो अभी अपने पिक्चर देखी तो ही विल बी अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर. बिल्कुल हूबहू प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरमैन जितने पावरफुल होते थे उतने ही पावरफुल वाइस चेयरपर्सन होते हैं नीति आयोग के. दरअसल नीति आयोग के द वेरी पॉइंट ऑफ रेफरेंस अगर कोई है तो वो वाइस चेयरपर्सन ही है. बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है. गवर्निंग काउंसिल, एक गवर्निंग काउंसिल भी होती है जिसका मेंबर्स चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज, यानी कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर्स और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, चीफ मिनिस्टर जिसे हम कहते हैं स्टेट के, जो डिफैक्टो लीडर्स जो होते हैं वो सभी इसके मेंबर्स हैं गवर्निंग काउंसिल के. रीजनल काउंसिल्स, अलग अलग रीजनल काउंसिल्स भी इसके होते हैं. टू एड्रेस स्पेसिफिक रीजनल इश्यूज कंप्राइजिंग चीफ मिनिस्टर्स एंड लेफ्टिनेंट जनरल्स चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर और हिज नॉमिनीज. रीजनल काउंसिल्स जब होते हैं तो प्राइम मिनिस्टर चेयर कर सकते हैं या फिर कोई स्पेसिफिक अपने किसी भी मिनिस्टर को नॉमिनी की तरह भेज सकते हैं. रीजनल काउंसिल्स यानी कि साउथ, नॉर्थ या फिर नॉर्थ ईस्ट, अलग अलग रीजनल रिलेटेड काउंसिल्स होते हैं क्योंकि अलग अलग रीजन के अलग अलग नीड्स और नेसेसिटीज होते हैं. तो इस तरीके से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ाने के लिए बॉटम टू टॉप अप्रोच लेकर सोशल और इकोनॉमिक इंक्लूजन करने के लिए नीति आयोग बनाया गया है. ये थी चंद बातें आपको जाननी थी नीति आयोग के बारे में. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.